मुर्शिदाबाद पुलिस के मुताबिक राधा माधवतौला गांव के लोगों ने ट्रेन के इंजन पर पत्थर फेंकने वाले 6 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, जो लुंगी टोपी पहनकर खुद को मुसलमान दिखा रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने के लिए उन्होंने हुलिया बदलकर ट्रेन के इंजन पर पत्थर फेंका था, लेकिन पूछताछ में मुलजिम अपना यूट्यूब चैनल नहीं दिखा पाए। पकड़े गए लोगों में 21 साल का अभिषेक सरकार है। द टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने पुष्टि की है कि अभिषेक बीजेपी का कार्यकर्ता है। हालांकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष गौरीशंकर घोष ने अभिषेक को बीजेपी कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया है। इस गैंग की कारगुजारी को पीएम मोदी के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जो उन्होंने 15 दिसंबर को झारखंड के दुमका में एक चुनावी रैली में दिया था। उन्होंने कहा था, आग लगाने वालों के दृश्य टीवी पर आ रहे हैं, आग लगाने वाले कौन हैं ये उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इस षड्यंत्र के उजागर होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी के जाल में मत फंसो। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन को हिंदू मुस्लिम के झगड़े में बदल दे, जबकि ऐसा नहीं है। हमें खुफिया इनपुट मिला है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए जालीदार टोपी खरीद रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता जालीदार टोपी पहनकर सार्वजनिक संपत्ति को तबाह करते हुए वीडियो बना रहे हैं, ताकि एक समुदाय को बदनाम किया जा सके। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।